थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा आप तो, आप थोड़ा अंदर, यस मैम थोड़ा और अंदर, या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, स्माइल हाय देखा बोला ना मैं अकेले आऊंगी तो सच में रोहन को नहीं लाई सच में आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू रियली यहाँ का पिज़्ज़ा कितना अच्छा है दे जस्ट पुट द राइट अमाउंट ऑफ मैरिनेरा सॉस रियली वी शुड टोटली गो देयर ऑन अ डेट यार है ना बेबी एक्चुअली वी शुड कम हियर टुमारो तू अकेले मूवी देख के बोर नहीं हो जाती क्या ये भी सिंगल है शैल आई सेट यू गाइस अप हाउ यू डूइंग देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी जस्ट फिशिंग रॉड निकाल एंड कीप एंजॉय लिसन ट्राई ऑनलाइन डेटिंग मैंने बहुत सारे ऐप्स ट्राई कर लिए दिस कैजुअल ऑनलाइन डेटिंग इज नॉट माय सीन देन ट्राई ओके क्यूपिड रोहन और मैं ऐसे ही मिले इवन आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस तुम्हारा भतीजा जो मेरी वो फीफा 19 की सीरीज ले गया था उसका क्या हेलो वो मेरा भतीजा दैट्स अ ब्लड रिलेशन यू आर टॉकिंग अबाउट हियर ठीक है ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन तुम्हारे मामा मेरे सनग्लासेस लगे थे उसका क्या ब्लड रिलेशन यू नो आई डोंट लाइक इट व्हेन यू मैस विद माय हेयर कोई पसंद आया What about him? तुम दोनों की पर्सनालिटीज कितनी मैच करती है 98% in fact. He also likes vacationing on his couch. You should talk to him. Guys, date सिर्फ 5 घंटों में है. Perfect. Guys, ये कुछ ज्यादा नहीं है थैंक यू दिस इज वे टू बिग राइट दैट्स व्हाट शी सेड शैल वी सॉरी इट्स ओके इज एवरीथिंग फाइन आई नो इट्स सॉरी सॉरी दिस इज जस्ट आई कांट टेक दिस एनीमोर या I normally hear that on the second date. Cheers. Yo. Oh, Sunna. Gurinko square earrings pasand hai, circle wale. Oval, bro. How did he know about the new album? Because my brother is really into hip hop and he bothers me a lot. He's just 12 years old and. गुनी को सलमान वाली जुड़वा पसंद है वरुण धवन वाली डॉक्यूमेंट्रीज वो उसको बनाना फ्लेवर पसंद है या स्ट्रॉबेरी अरे प्रोटीन पाउडर ओ रियली यू आर ऑन आकाश लेट्स सी हु विंस टुमारो ऑलराइट समवन सेड द डॉक अब क्या चाहिए ब्रो वीकेंड है गुरी तुझे डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है ना ऑसम तो देखे बरखा और यू वांट टू कॉल दैट आपका Hey guys! If you're single and if you're looking for someone who's perfect for you and who gets you, download OkCupid. It's a really fun app if you're looking for something more serious. And keep watching Fizzy Poppy!